मोहम्मदी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कृषि विकास शाखा में बिना अनुमति के एक युवती के खाते से 1,64,000 की धनराशि किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर करने की धांधली का मामला सामने आया है। मोहम्मदी नगर के मोहल्ला शकरपुर छावनी निवासी रोशनी भारती ने बताया कि उसका बचत खाता रामलीला मैदान स्थित भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा में है। पीड़ित के अनुसार 18 से 19 जुलाई के बीच बिना अनुमति के 7 बार में 1,64,000 गोरखपुर के नदवा बिशनपुर के निवासी किसी अरुण कुमार सिंह के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। रोशनी ने बताया कि वह 26 जुलाई को एटीएम से पैसे निकालने गई, तब उसे घटना की जानकारी हुई। खाते में जमा राशि उसकी शादी के लिए थी। उसके पिता भी गुजर चुके हैं, अब उसका कोई सहारा नहीं। रोशनी को अपने जीवन में अब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस मामले की तहरीर उसने मोहम्मदी कोतवाली में दे दी है। जो घटना संज्ञान में आई है जी, कि स्टेट बैंक से आपकी मोहम्मदी में जो स्टेट बैंक है रामलीला मैदान में, एडीबी उससे जो खाते में पैसा पड़ा हुआ था जी, वो करीब 1,65,000 रुपया वो खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गया, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, बगैर बैंक वालों के मिली भगत से ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। वो हमने ये सुन रखा है कि लोग पैसा अकाउंट से निकाल तो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर तो बगैर बैंक वालों के मिले हुए नहीं हो सकता। ये बैंक की पूरी तरह से दोष इसमें बैंक का है, और बैंक में भ्रष्टाचार, तमाम बैंकों की शिकायतें आती हैं, भ्रष्टाचार बहुत जम के चल रहा है। मैनेजर से जब पत्रकार लोग बयान लेने जाते हैं, फोटो लेने जाते हैं, तो वो मना कर देते हैं और बदतमीजी से पेश आते हैं। मैनेजर बैंक के, तमाम बैंकों के मैनेजर किसी गुंडागर्द से कम नहीं है, और गुंडागर्दी से पत्रकारों से सबसे पेश आते हैं। अच्छा, इस पैसे, ये जो पैसा निकल गया, इस पैसे को वापस करवाने में आप कहाँ तक जा सकते हैं? भाई, हम इस बिटिया की मदद करेंगे और मीडिया में इसको, मामले को उछालेंगे, और जब तक मीडिया में चलाते रहेंगे, जब तक कि इसका पैसा बैंक वाले खुद चल के घर पर वापस नहीं कर देते।